तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने के लिए मिल गया है, जिसका वर्जन है C.04 का। तो गाइस आपको C.04 के अपडेट में क्या क्या न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला, एंड गाइस इसी के साथ में हम बात करेंगे गाइस कि ये अपडेट का आपको पैसेज कितना देखने के लिए मिल जाता है, एंड गाइस जिन Realme C3 डिवाइस के यूजर्स को अभी तक C.04 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस अगर आप भी Realme C3 डिवाइस के यूजर्स, अगर आप ये वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करना तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस Realme C3 डिवाइस में जो C.04 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है, तो गाइस अगर आप भी Realme C3 डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप अपने Realme C3 डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके आप ये अपडेट को चेक कर सकते हैं, एंड गाइस ये अपडेट आपको देखने के लिए मिल गया है। तो गाइस आप अपने डिवाइस को C.04 में आप अपडेट कर सकते हैं। वैसे गाइस नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अपने Realme C3 डिवाइस को C.04 में अपडेट किया है या फिर नहीं किया है। तो गाइस अब बात आता है इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में। तो गाइस इस अपडेट का फाइल साइज आपको 168 MB देखने के लिए मिल जाता है। गाइस यहां पे फाइल साइज आपको ज्यादा लंबा देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि एक मीडियम में देखने के लिए मिल जाता है फाइल साइज। तो बात यह आता है कि गाइस यहां पे फाइल साइज आपको मीडियम में देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस इस अपडेट C.04 के अपडेट में आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो गाइस यहां पे सबसे पहला जो चेंजेस देखने के लिए मिला है वो गाइस यहां पे सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, वो है गाइस ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कर दिया गया है। गाइस ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद जो गाइस नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला है वो भी गाइस सिस्टम में ही देखने के लिए मिला है, वो है गाइस इंप्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि सिस्टम स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव्ड कर दिया गया। तो गाइस ये कुछ दो चेंजेस है जो कि सिस्टम में देखने के लिए मिला है Realme C3 डिवाइस में C.04 के अपडेट में। तो गाइस अब बात आता है कि जिन Realme C3 डिवाइस के यूजर्स को C.04 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी कोई अपडेट पहली बार देखने के लिए मिलता है तो गाइस वो रेंडम कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस उसके बाद फिर उसके 3-4 दिन बाद फिर से अपडेट रिलीज किया जाता है, तो गाइस फिर कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लो अगर आपको अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो, एंड गाइस आप सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके आप अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि कोई भी अपडेट जब रिलीज होता है तो गाइस वो कई सारे बैचेस में अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके ये अपडेट को जरूर चेक करते रहना। तो गाइस अब बात आता है कि जिनका Realme C3 डिवाइस Android 10 में अपडेटेड है तो गाइस उन्हें कब तक Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा, आप अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 15-20 डेज वेट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको उसके अंदर में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर ले। खैर गाइस जब भी Realme C3 डिवाइस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो गाइस आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इस चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।